गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी हैव सीन द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। नाउ वी हैव लेफ्ट विथ द ऑडियो विजुअल सोर्सेस इन विच वी आर सीइंग द फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स एंड द फिल्म्स। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फोटोग्राफ्स। द फोटोग्राफ्स आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। विजुअल सोर्स मीन्स विच वी कैन सी by our side, that is the visual source. So with the discovery of art of photography, photographs of various persons, events, objects, structures, places were clicked. जैसे ही photography का development हुआ तो ancient time के, medieval times के, या फिर we can say about the modern Indian history period, various persons photographs, various structures photographs, various events photographs can be clicked. सो फ्रॉम दैट वी कैन नो द पर्सन और द इवेंट एज इट इज। जो जैसे दिखते थे उनको हम वैसे ही देख सकते हैं। सो थ्रू दिस फोटोग्राफ्स वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और द इवेंट इन अ विजुअल फॉर्मैट। सो इन द केस ऑफ मेडिवल पीरियड्स देर आर पेंटिंग्स अवेलेबल दैट डिपिक्ट द फिजिकल फीचर ऑफ ए पर्सन और द विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, बट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस पेंटिंग्स इज डाउटफुल। जो मेडिवल पीरियड था, हुमायूं, अकबर, इनका जो पीरियड था, इन दैट पीरियड द पेंटिंग्स वेर डेवलप, पेंटिंग्स वेर क्रिएटेड, बट ऑथेंटिसिटी मीन्स उनका रहना, वी कैन से इट इज़ डाउटफुल बिकॉज इट इज़ ड्रॉन बाय सम पर्सन। सो वी कैन नॉट से दैट इट इज़ कम्प्लीटली श्योर, कम्प्लीट 100% इट इज़ ट्रू। सो इट इज़ द डाउटफुल, इट्स ऑथेंटिसिटी इज डाउटफुल। बट इन केस ऑफ फोटोग्राफ वी कैन नॉट से दैट इट इज़ डाउटफुल और वी कैन नॉट डाउट ऑन इट दैट फोटोग्राफ इज एज इट इज़ ऑलवेज एंड वी कैन अश्योर 100% ऑन द फोटोग्राफ्स। सो कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल। देन द फोटोग्राफ्स ऑफ ए पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर्स, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा। अगेन फोटोग्राफ्स ऑफ एन इवेंट गिव्स अ विजुअल इमेज ऑफ द इवेंट, वेयर एज फोटोग्राफ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर। सो इन दीज थ्री वेज फोटोग्राफ्स हेल्प्स अस इन द sources of history. In which three ways the photographs of a person gives information about the physical features, dressing styles. Again photographs enables us to recreate the image of an event. Again the photograph of an object or the structure helps in understanding the nature of an particular event. Now the recordings. The discovery of technique of recording was also as important at the फोटोग्राफी। जितनी ही फोटोग्राफी का जो डिस्कवरी थी वो हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट थी, उससे ज़्यादा या फिर उतनी ही हेल्पफुल है रिकॉर्डिंग्स की डिस्कवरी भी। सो रिकॉर्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स आर द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, सॉन्ग एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग। जो रेडियो स्टेशन पब्लिश हुए थे, इस्टेब्लिश हुए थे, उनके थ्रू जो नरेशंस के स्पीच सॉन्ग्स पब्लिश किए जाते थे, उनके रिकॉर्डिंग्स भी किए जाते थे, जो इंस्पायरेशन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अभी तक हेल्पफुल है। दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल नेशनल एंथम जनगण मन संग बाय दी रविंद्रनाथ टागोर हिमसेल्फ और द स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस कैन बी यूज एज एन ऑडियो सोर्स ऑफ ए स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो वॉट वी हैव सीन इन द रिकॉर्डिंग्स, द इन द मॉडर्न पीरियड स्पीचेस ऑफ द लीडर्स आर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, सॉन्ग्स, म्यूजिक्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स। इवन वेन द रविंद्रनाथ सॉरी सुभाष चंद्र बोस वेन वेंट टू जर्मनी, फ्रॉम देयर ही सेंड रिकॉर्डिंग्स टू इंस्पायर द पीपल सो दे कैन वर्क फॉर द आजाद हिंद सेना। रिकॉर्डिंग्स ऑफ जनगण मन संग बाय रविंद्रनाथ टागोर हिमसेल्फ, स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड लेक्चर्स ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स आर अवेलेबल। मीन्स फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ जनगण मन वी कैन लिसन द जनगण मन एज इट इज हाउ इट वॉज संग बाय द रविंद्रनाथ टागोर।
they can be used as a source of history as they give information on prevalent social and political condition and ideologies. So they are very important source of history. Why? Because they give the information of prevalent social and political conditions and the ideologies. Now we are seeing the films. Films are considered as a unique discovery of modern technology. In the 20th century, there was a great development in the technique of film making. Dada Saheb Phalke in the year 1913 laid the foundation of Indian film industry. So audiovisual recordings of the Dandi Yatra, Salt Satyagraha, Quit India movement and the such other historical incidents are available through these films and the events could be seen in the reality. So in the films development in the from the film we can feel the situation. जो films होते हैं जब हम लोग जब देखते हैं तो हम उस दुनिया में ढल जाते हैं, हम जैसे कि तैसे वो दुनिया फील कर सकते हैं. तो जो दांडी यात्रा थी, जो क्विट मोमेंट इंडिया साल सत्याग्रह था, क्विट इंडिया मोमेंट थी, तो ये जो मोमेंट्स थे, जो बड़े बड़े मोमेंट्स थे, इनके जो जैसे हम लोग बोल सकते कि ये जो यात्राएं निकलती थी, रास्ते पे लोग आते थे, लाखों की संख्या में लोग रास्ते पे आते थे. सो इफ़ यू कैन सी दिस थिंग्स विजुअली, वी कैन फील देयर स्पिरिट, वी कैन फील देयर इनकरेजमेंट. सो दिस इज़ द मेन एम बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री. और वी कैन से दैट इन दिस वे द फिल्म्स आर हेल्पफुल इन द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. सो through these films the events could be seen in reality. Compared to ancient and medieval periods, the sources of study of modern Indian history are found in the abundance and variety. In abundance means in the vast condition or in the big format. The archaeological sources of this period are to a great extent found in the better state. There are many written sources preserved in the archives. In the archives means they are kept in the museum, they are unharmed, they are kept as it is. So, but while referring the written sources, the ideology and opinions of the author regarding the particular event needs to be examined. Means जो written sources है वो किसी के through लिखे जाते हैं. So उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, उनकी जो रियलिटी है, कैन बी अ डाउटफुल. वी कैन ना से देयर मीन्स जो जैसा बोलता है, हम अगर उसी वैसे ही विश्वास रखते हैं तो इट शुड बी एग्जामाइन. इसके ऊपर एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज वी कैन नॉट से दे आर 100% श्योर. हर किसी के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ डाउटफुल. बट जो हम देखते हैं, एक्चुअल में देखते हैं, जो फिल्म के थ्रू देखते हैं, दैट इज़ एज इट इज़, सो इट इज़ 100% श्योर. लाइक वाइज फोटोग्राफ्स ऑल्सो 100% श्योर एंड रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो 100% श्योर. सो देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज थ्रू विच द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन. बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ हिस्ट्री, द इट शुड बी हैंडेड ओवर फ्रॉम ओल्ड जनरेशन टू न्यू जनरेशन. दैट वी मस्ट नो ऑन विच बेसिस, ऑन विच फाउंडेशन वी आर स्टैंडिंग, हाउ रिच आवर हिस्ट्री वॉज, हाउ रिच हेरिटेज, हाउ रिच कल्चर वी हैड इन द एंशियंट पीरियड. सो इफ यू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, इफ यू प्रिजर्व आवर मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड इफ यू प्रिजर्व आवर सोर्सेज, सो वी शुड लेट अस नो आवर नेक्स्ट जनरेशन अबाउट आवर प्रीवियस हिस्ट्री. सो वॉट वी हैव सीन इन द फोटोग्राफ्स, इन द रिकॉर्डिंग्स एंड इन द फिल्म्स, दैट थ्रू द फोटोग्राफ्स वी कैन एक्चुअली और वी कैन श्योर ऑन द फोटोग्राफ्स 100% इट इज़ नॉट डाउटफुल. थ्रू द रिकॉर्डिंग्स वी कैन से दैट लाइक द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ऑफ जनगण मन वी कैन हियर एज इट इज़ संग बाय द रविंद्रनाथ टागोर. And also they are used as a source of history as they give information on prevalent social and political condition and the ideology. And also films, movies and documentaries are audiovisual sources of modern Indian history. Dada Saheb Phadke laid the foundation of Indian film industry in 1930. The advantage of this technological development is that the events could be seen in the reality. This is the main advantage of this technology, that we feel it and we can see in this reality. So here
we have finished our lesson sources of history. I hope you have understand the lesson. For more better your convenience, I should advise you that listen to the all videos in a sequence and repeat all the videos again and again, so you can go through the sequence and it is better you to understand the lesson. What you have to do about the exercise, that will let you know in the next video. Thank you.